हेलो डियर फार्मर्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्वार की फसल में कुछ भावों में जो है बढ़ोतरी होने वाली है, कितनी होने वाली है, क्या फसल विभाग जो है कृषि विभाग उसका क्या अपडेट है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ग्वार का भाव बढ़ा, सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। यहाँ पर मैं आपको एकदम सटीक सही जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को जो है आपको जरूर लाइक करना है। यहाँ पर मैं आपको एकदम सटीक न्यूज बताऊंगा। सभी फार्मर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ग्वार की फसल को लेकर जो एक बड़ा अपडेट है। अब यहाँ पर मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ, इस वर्ष जैसा कि आप सभी को पता है ज़्यादा बारिश के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है उसी कारण जो है ग्वार की जो फसल है उसका भी ज़्यादातर जो है नुकसान हुआ है। और इसके कारण है अब की बार जो है मंडियों में जो है ग्वार जो है बहुत ही कम जो है बिकाऊ हो रहा है। तो ऐसे में कैसे जो है बढ़ोतरी करके इस ग्वार जो भाव को बढ़ाया जाएगा, किसानों के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, यदि आपके पास इस फसल है, इस फसल का स्टॉक है, तो आप सभी के जो है किस्मत जागने वाला है, यह मैं आपको बता वाला हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादन में कमी है, यानी इसके उत्पादन में अब की बार क्या रही है, कमी रही है, 100% कमी रही है। और आवक कमजोर पड़ने से जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव बढ़कर 4100 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। ये मैं आपको सभी को एक प्योर अपडेट बता दूं, यहाँ पर जो है बढ़ने लगे हैं, मतलब धीरे धीरे कितने जा सकते हैं, कुछ भी नहीं सकते, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मंडी कृषि का अपडेट है। यहाँ पर सरकार का अभी तक तो कोई निर्णय नहीं है, लेकिन जल्दी किसान भाइयों को जो है खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं उत्पादन में अब की बार जो है जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ गई है। आवक कमजोर होने के कारण अब की बार किसी भी हालत में जो है वो बढ़ सकता है, ऐसा परिणाम बताया जा रहा है। आने वाले समय में ग्वार गम के भाव 15,500 से 16,000 रुपये प्रति क्विंटल हो सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं एक प्योर अपडेट के रूप में मैं आपको जो है जानकारी दी है कि आने वाले समय में जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार उत्पादन में कमी हुई है और ज्यादा बारिश के कारण खराब हुई फसलों का जो है इस प्रकार से जो है उनका भुगतान हो सकता है। तो मैं आप सभी को यही अपडेट बताने वाला हूं। इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आती है, तो आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी।